भारत में बन रहे राम मंदिर का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाने वाला है और राम मंदिर का असर न कि सिर्फ उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी बल्कि देश की इकोनॉमी पे भी एक बड़ा असर डालने वाला है। ये बातें आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं राम मंदिर के बनने के बाद से सनातन धर्म पर इसका क्या असर होने वाला है और कौन कौन से बदलाव अभी से दिखाई दे रहे हैं? राम मंदिर के बनने के बाद से क्या लोगों की घर वापसी सिर्फ राम मंदिर के बनने की वजह से हो रही है या आगे फ्यूचर में दूसरे धर्मों पर राम मंदिर का क्या असर होने वाला है? आज इस वीडियो में हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। हमारा इतिहास करोड़ों साल पहले का है। यहाँ पे वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत ऐसे ऐसे काव्य हैं जो ये बात बताते हैं कि हमारा धर्म दुनिया में सबसे पुराना है और सबसे महान है। ऐसा नहीं है कि राम मंदिर के बनने के बाद से ही सनातन धर्म को पहचाना जाएगा या राम मंदिर के बनने के बाद से ही सनातन धर्म जाना जाएगा, लेकिन हाँ, राम मंदिर के बनने के बाद से सनातन धर्म को एक नई ऊर्जा जरूर मिलेगी जिसका असर पूरी दुनिया पे होगा। जैसे जैसे राम मंदिर में स्थापना के दिन नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे हमारे देश के यूथ में भी राम और सनातन धर्म को लेकर जागरूकता बढ़ती जा रही है। जो यूथ पहले बॉलीवुड के गानों पे नाचा करता था, अब वो राम जय श्री राम के गानों पे नाच रहा है। जो अपने व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक पर मेम पोस्ट करता था, अब वही रामायण के दोहे पोस्ट कर रहा है। जो यूथ शिमला, मनाली, गोवा घूमने की बातें करता था, अब वो अयोध्या, मथुरा, बनारस और प्रयागराज जाने की बातें कर रहा है। जैसा कि मैंने कहा, सनातन धर्म को राम मंदिर एक ऊर्जा के रूप में स्थापित करेगा और इसका असर हमारे यूथ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब पूरी दुनिया में राम मंदिर सर्च किया जा रहा है। गूगल पर राम मंदिर सर्च करने वालों की संख्या लगभग 50,000 गुना बढ़ गई है। वहीं पूरी दुनिया से राम मंदिर सर्च किया जा रहा है। जिन देशों में अभी तक सनातन धर्म या हिंदू धर्म के बारे में लोग कम जानते थे, अब वहां पर भी, वहां के इंटरनेट पर भी राम मंदिर सर्च किया जा रहा है। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया में श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भगवद गीता किताबों की डिमांड कई गुना बढ़ गई है। हिंदुओं की सबसे बड़ी प्रिंटिंग प्रेस यानी गीता प्रेस, जो रामचरितमानस और श्रीमद् भगवद गीता और हिंदू धर्म के लगभग सभी ग्रंथ और पुराणों को छापती है, उन्होंने बताया कि श्री रामचरितमानस कोई लगभग 5,00,000 नई किताबें छापने की डिमांड बढ़ गई है, जो हर साल लगभग 50,000 श्रीमद् भगवद गीता बेचना उनके लिए मुश्किल हो जाता था, वहीं पिछले 6 महीनों में ही लगभग 5,00,000 नई श्रीमद् भगवद गीता और श्री रामचरितमानस की किताबों की डिमांड आ चुकी है। इसका असर साफ साफ दिख सकता है किस तरह से न कि हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में सनातन धर्म को और जाना जा रहा है। वहीं ऑनलाइन सेलिंग में भी रामायण और श्रीमद् भगवद गीता के किताबों की बिक्री लगभग 20 गुना बढ़ गई है। ये न कि सिर्फ भारत में खरीदा जा रहा है बल्कि पूरी दुनिया में खरीदा जा रहा है। इन महाग्रंथों के बिक्री से ये साफ साफ देखा जा सकता है कि आने वाले टाइम में हिंदुत्व और सनातन धर्म का पूरी दुनिया पर कितना गहरा असर पड़ने वाला है। दूसरे धर्म के लोगों पर भी राम मंदिर का एक गहरा असर होने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे लोग राम और राम के बारे में जानने का मौका मिलेगा, वैसे वैसे उनका झुकाव सनातन धर्म की तरफ बढ़ता जाएगा। हम सिर्फ यूपी की बात करें तो यहाँ 3 महीनों में लगभग 2,000 से ज़्यादा मुस्लिम परिवारों ने घर वापसी किया है। ये वो डाटा है जो न्यूज़ में आई है। इसके अलावा BHP यानी विश्व हिंदू परिसर के अकॉर्डिंग ये डाटा लगभग 2 गुनी है, यानी लगभग 5,000 से ज़्यादा मुस्लिम परिवारों ने
हिंदू धर्म में वापसी की है। वहीं कई क्रिश्चियन कम्युनिटी यानी क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोगों ने भी हिंदू धर्म में वापसी किया है। और जैसे जैसे राम को जानने वालों की संख्या बढ़ेगी, दूसरे धर्मों में जैसे जैसे राम का गुणगान और राम की मर्यादित जीवन को जानने का मौका मिलेगा, वैसे वैसे सनातन धर्म की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ेगा। इससे सनातन धर्म को काफ़ी फायदा होगा, यानी हमारे हिंदू समाज को भी इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। और आने वाले टाइम में लोगों का राम के प्रति, योग के प्रति और भारतीय दर्शन के प्रति जागरूकता और बढ़ेगी, जो कि शायद भारत को फिर से विश्वगुरु बनाने में एक अहम भूमिका निभाएगी। इसीलिए मैं शुरुआत में ही कहा हूँ कि राम मंदिर सनातन धर्म को एक नई ऊर्जा के रूप में स्थापित करेगा। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो आप अपने दोस्तों, अपने मित्र, अपने परिवार के साथ ज़रूर शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय श्री राम।